नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना के नए बस स्टैंड के बारे में। पटना के नवनिर्मित इंटर स्टेट बस स्टैंड पूरी तरह से अब सुचारू हो गया है। आपको बता दें कि पहले से चल रहे मीठापुर बस स्टैंड पूरी तरह से बंद हो गया है। अब सभी नई बस बैरिया स्थित बस स्टैंड से खुलेगी। इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि रविवार को नए बस पड़ाव से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 1437 बसों का परिचालन हुआ, जिसमें से 641 बसों का ISBTC में आगमन हुआ तथा 726 बस टर्मिनल के दूसरे राज्यों के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 70 बसों का टर्मिनल के परिचालन हुआ। मीठापुर स्थित पुराने बस पड़ाव की जमीन को जल्द ही राज्य के 3 नए विश्वविद्यालयों को भवन बनाने के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। पटना में बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रविवार को जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी एवं बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ टर्मिनल में बैठक की गई। बैठक में यात्रियों की जानकारी तथा सुलभ यातायात के दृष्टिकोण के मुख्य सड़क से टर्मिनल तक सूचक के रूप में साइनेज लगाने की बात कही गई। इस टर्मिनल के भूतल पर बुकिंग काउंटर एवं बस कमी के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे पर खड़ी बसों को हटाने के लिए गश्ती दल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बस के स्टाफ का ID प्रूफ रहेगा। इस संबंध में अपर समाहर्ता राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी ISBTC बुडको के कार्यपालक अभियंता तथा पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, यातायात अधीक्षक सहित बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। इधर कमेटी द्वारा प्रतिदिन बैठक कर टर्मिनल के संचालन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी विचार किए जाएंगे तथा उसका प्रतिदिन समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बस मालिकों, बस स्टाफ एवं यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मीठापुर बस पड़ाव खाली होने के बाद से रविवार को जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर आसपास के दुकानदारों की फरियादें सुनी। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि बस पड़ाव खाली होने के बाद उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। बस यात्री के कारण ही उनका कारोबार चल रहा था। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि निर्धारित समय यानी कि 31 जुलाई को मीठापुर बस पड़ाव पूरी तरह से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल शिफ्ट हो गया है। उन्होंने बताया कि मीठापुर के जो भी दुकानदार शिफ्ट होना चाहेंगे उन्हें जिला प्रशासन से जरूर सहयोग मिलेगा। मीठापुर बस स्टैंड के बेहतर एवं आधुनिक सुविधा ISBTC में प्रदान की गई है, जो यात्रियों एवं बस मालिकों के लिए भरोसेमंद मानी जा रही है। मीठापुर बस स्टैंड 8 एकड़ में था, जबकि ISBTC 25 एकड़ में फैला है। इसमें 10 एकड़ में भवन का निर्माण कर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई है। करीब 11 एकड़ में बसों के पार्किंग की व्यवस्था है। पटना जिला प्रशासन के मुताबिक पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल पर मीठापुर बस स्टैंड की अपेक्षा कई गुना अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। टर्मिनल पर 50 शौचालय, पेयजल सुविधा जिसमें कि 12 है, यात्री हेल्प डेस्क की सुविधा जिसमें 2 हेल्प डेस्क सुविधा दी गई है। सुरक्षा कर्मियों की अगर हम बात करें तो इसमें 60 सुरक्षा कर्मियों को तैनाती की गई है। सफाई कर्मी भी 42 हैं। प्रबंध शाखा में 65 लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ CCTV 10 लगाई गई है, जो कि यहाँ की सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखा गया है। इन सभी सुविधाओं और काम की मॉनिटरिंग टर्मिनल पर प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन की जा रही है। टर्मिनल पर किसी तरह की अप्रिय या आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 60 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और टर्मिनल के अंदर बाहर पूरी चौकसी बरती जाती है। यात्रियों के आने जाने को सुचारू और सुगम सुविधा के लिए टर्मिनल पर पर्याप्त संख्या में ऑटो एवं सिटी बस की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी यात्री को आने जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही जाम की समस्या से निपटारे को लेकर भी SP ट्रैफिक की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो नया बस स्टैंड बना है पटना के बैरिया में, उसको लेकर जानकारी बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।